शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो शर्मा जी, ललित बोल रहा हूँ। वो लखनऊ वाली लड़की बहुत पसंद है मुझे, रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए, अब और इंतजार नहीं होता। जब तुम्हारी माँ को तुम्हारी शादी ही नहीं करनी, फिर फोन क्यों करते हो? अब तक दर्जन भर लड़कियाँ देख चुके हो, पर आज तक हुआ कुछ नहीं। अब आगे से फोन करके मेरा समय बर्बाद मत करना। हेलो शर्मा जी, हेलो, मेरा फोन काट दिया, मेरा रिश्ता लगाने से मना कर दिया, छोड़ूंगा नहीं इसे, चौराहे पर मारूंगा साले को। लेकिन उससे पहले हमें लड़की बहुत पसंद है, हमारी तरफ से हाँ है, और हमारे लड़के के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। हम ये शादी जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। फिर देर किस बात की बहन जी, अभी विवाह का शुभ मुहूर्त निकाल लेते हैं, ऐसे रिश्ते बार बार थोड़ी मिलते हैं। ये देख लीजिए, अगले हफ्ते ही बड़ा शुभ मुहूर्त है विवाह का, आप तैयारी शुरू कर दीजिए अपने बेटे की शादी की। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, माँ ने मेरी शादी पक्की कर दी। नमस्ते। अरे ललित, बड़े ही अच्छे मौके पे आया है तू, शादी की तारीख पक्की हो गई है। अरे खुशी का मौका है, मुंह मीठा कर, आ ये ले। एक ही हफ्ते में शादी है, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारा काम अकेले देख लूंगा मैं, तुम बस आराम से बैठो और नई बहू के स्वागत की तैयारी करो। हेलो, बारात निकलने वाली, जल्दी पहुंचो तुम लोग, आज तेरे भाई का सपना पूरा होने जा रहा है। हाँ, आज रात की पूरी व्यवस्था कर ली है। हाँ चल ठीक है, बाय। माँ मैं तैयार हो गया। शादी मेरी है, लेकिन आप दूल्हा बनकर क्यों खड़े हो भैया? शादी तुम्हारी नहीं, मेरी है। माँ मोहित भैया को समझा दो कि आज के दिन ऐसा मजाक ना करें। ललित, तुम्हारे भैया मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम खुद अपने साथ मजाक कर रहे हो। मोहित की शादी है आज, तुम्हारी नहीं। छोटा बेटा घर में कुंवारा बैठा है और आपको बड़े बेटे की शादी की पड़ी है, जो पहले से ही शादी का सुख भोग चुका है। देखो बेटा अपने बाप को, तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद फिर से शादी का भूत सवार हो गया इन्हें। लेकिन आज इस घर में शादी होगी तो सिर्फ मेरी। राहुल बेटा, तुम बाहर जाकर गाड़ी में बैठो, ठीक है? साबुन खरीदने की तो हैसियत नहीं है तेरी, और चला है शादी करने, अपनी पत्नी को कैसे पालेगा? और रही बात मोहित की, तो राहुल की माँ के गुजरने के बाद से उसे एक माँ की जरूरत है,
और मोहित को एक जीवन साथी की। अब ये तमाशा बंद कर और जा जाकर कपड़े बदल कर आ, बारात के निकलने का समय हो गया है। अरे भाड़ में जाइए बारात और ये शादी। एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती इस घर में किसी को चैन से नहीं जीने दूंगा मैं। आओ बहू, ये रहा तुम्हारा कमरा, बैठो। बिल्कुल लक्ष्मी का रूप लग रही है हमारी बहू, किसी की नजर ना लगे। तुम बैठो, हम मोहित को भेजते हैं, ठीक है? राय दुरुस्त है, जैसा घर चाहिए था वैसा मिल ही गया। अब यहां आराम से ऐश करूंगे। क्या सोच रही हैं आप? बहुत अच्छा सजाया। जब आप इस सुहागरात की सेज पर बैठेंगे ना तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। कविता के गुजरने के बाद मैंने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा, पर जब भी मैं अपने बेटे के बारे में सोचता था ना, मुझे लगता था उसे एक माँ की जरूरत है। और मैं जानता हूं कि मेरा बेटा, मेरा नहीं, हमारा बेटा। मैं राहुल को कभी महसूस होने नहीं दूंगी कि मैं उसकी दूसरी माँ हूं। और मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जिसके तुम हकदार हो। छोटा भाई कुंवारा बैठा है और बड़ा भाई फिर से स्वागत मना रहा है। अब देखो क्या क्या करता हूं मैं। आउच! ये कुछ चुभा मुझे। ये कांच के टुकड़े बेड पे किसने डाले? हमें गहरी चोट आ सकती थी। मैं जानता हूं यह घटिया हरकत किसने की है। अरे सुहागरात छोड़कर यहां क्या कर रहे हो भैया? कोई दिक्कत है क्या? बहुत ही घटिया हरकत की है तूने। क्या हुआ? अब क्या किया इसने? माँ शादी नहीं होने की वजह से पागल हो गया ये। इसने हमारे बिस्तर पे कांच के टुकड़े रख दिए। अगर सही वक्त पे मैं और रागिनी नहीं उठते तो पता नहीं क्या हो जाता। ये क्या बेहुदा हरकत है ललित? ये कोई बेहुदा हरकत नहीं है माँ, ये तो एक छोटा सा सरप्राइज है नई भाभी की आने की खुशी में। लगता है मेरा सरप्राइज किसी को पसंद नहीं आया। देख ललित, अगर तू मम्मी जी, देवर जी का तो पूरा हक है ना अपनी भाभी के साथ मजाक करने का, हमें सरप्राइज देने का। रागिनी तुम जानती नहीं हो ये कमीना। जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ ना। अब भाभी इस घर में आ गई है,
तो देवर भाभी जी का मजाक तो चलता ही रहेगा, है ना देवर जी? बेटा लंच अच्छे से फिनिश करना ओके, और जब आप वापस आओगे ना तो मम्मा आपके लिए चीज पास्ता बनाएगी। डन, चलो अब अच्छे से स्कूल जाओ और पढ़ाई करना ओके। बाय बाय बाय। नमस्ते माँ जी। बहू ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कुछ ही दिनों पहले शादी करके इस घर में आई हो, बल्कि ऐसा लगता है कि सालों से इस घर की जिम्मेदारी संभाल रही हो। बिल्कुल ठीक कहा माँ, जब से रागिनी घर में आई है इस घर की खुशियां वापस लौट आई है। अच्छा माँ जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। सुबह के 10 बज रहे हैं और हमारे नवाब साहब अब तक रोज की तरह सो रहे हैं। भगवान जाने क्या होगा इस लड़के का, जब देखो तब इसके दिमाग में इस शादी का भूत सवार रहता है। चलो माँ मैं निकलता हूँ। ध्यान रखना जी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हें करीब से देख रही थी। क्या हुआ देवर जी, इतने चौंक क्यों गए? भाभी वो तुम्हारी, देवर जी के पास तो कभी भी आ सकती हो ना? जी नाश्ता गरम है तो ठंडा हो जाए उससे पहले नीचे आ जाइए, क्या ना गरम चीज खाने का मजा ही कुछ और होता है। जरूर इसे माया भैया ने भेजा होगा ताकि मैं इसकी बात में आ जाऊं और शादी की जिद छोड़ दूं। अगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, इस घर में किसी को चैन से नहीं जीने दूंगा। ये तो रोज रोज लड़कियों की तस्वीरें दिखाना बंद कर ललित, नहीं हो सकती तेरी शादी। पापा के गुजरने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रहा हूं मैं, और काम में मेरी मदद करने के बदले शादी की सनक सवार रहती है तेरे सिर पे। अरे जाके पहले कोई काम धंधा ढूंढ, फिर सोचना शादी के बारे में। जो काम नहीं करते उनकी शादी नहीं होती क्या? पिछले एक साल से आप दोनों से शादी के लिए बोल रहा हूं मैं अपनी, लेकिन आप दोनों कान में तेल डालकर बैठे हो, खुद दो दो शादी करके बैठे हो। लेकिन मैं हर हाल में शादी करके रहूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं देवर जी, हम कराएंगे आपकी शादी, हम ढूंढेंगे ना आपके लिए एक सुंदर सी लड़की। रागिनी इन सब चक्करों में मत पड़ो, जब ये शादी के लायक हो जाएगा ना तब सोचेंगे इसकी शादी के बारे में। देखो बहू, हम भी चाहते हैं कि ललित की शादी हो जाए, पर कम से कम वो अपने पैरों पे तो खड़ा हो जाए। अगर लड़के वाले पूछेंगे कि लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, तो हम क्या जवाब देंगे? उसकी चिंता मत कीजिए मम्मी जी, हम अपने देवर जी के लिए ऐसी लड़की ढूंढेंगे ना
जो बिना नौकरी चाकरी के ना शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। और रही बात नौकरी की, तो शादी के बाद हमारे देवर जी सारी जिम्मेदारी तो उठा ही लेंगे ना। धन्यवाद भाभी जी। सिर्फ देखते ही रहोगे देवर जी या कुछ करोगे भी? क्या हुआ देवर जी, बोलते क्यों बंद हो गए? सिर्फ घूरते रहोगे या कभी अपने भाभी के पास भी आओ? वो मैं पानी पीने आया था। अच्छा ये बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? बिल्कुल आपके जैसे। तो फिर मुझे भी अपना ही समझ लो। रागिनी। हाँ आई। ये लो अपनी प्यास बुझा लेना। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ कहीं सपना तो नहीं? क्या बात है भाभी, हर दिन एक नया झटका देती है। कभी कभी तो शक होता है कि आप इस घर की बहू नहीं कोई 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 अप्सरा। अप्सरा वो तो मैं हूं, अपने देवर जी की अप्सरा। वैसे आज घर पे कोई नहीं है, मोहित भी बाहर गए हैं, मम्मी जी सत्संग में गई है और राहुल स्कूल में है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने देवर जी के साथ रोमांटिक मूवी देखने जाए। क्या कहते हो देवर जी? आउच! क्या हुआ देवर जी, कोई गलती हो गई क्या हमसे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश कर रही हैं? खेल? देवर जी एक हम ही तो है आपके अपने, जो आपके बारे में सोचते हैं। आपके लिए लड़की भी तो हम ही ढूंढ रहे हैं। और एक आप है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अब भलाई का जमाना ही नहीं रहा। खैर ठीक है तो फिर ठीक है, अगर आप हमारी शादी की जिम्मेदारी उठा सकती हैं तो फिर हम आपके साथ रोमांटिक पिक्चर क्या रोमांस करने के लिए भी जा सकते हैं। नॉटी बॉय चले। क्या हुआ देवर जी, रोमांटिक मूवी देख के आप रोमांटिक भी हो गए? अब इतनी खूबसूरत भाभी साथ में है तो रोमांटिक होना तो बनता है ना। एक सेकंड ना। अरे बैग लेना तो भूल ही गई।
निकलो यहाँ से, यहाँ पे क्यों आए? देखो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, निकलो यहाँ से अभी क्या बिछाओ। हाँ मैं मालूम है। कौन है वहाँ? जाओ। कोई नहीं, वो गलती से आ गया था। अच्छा अच्छा सुनो, मैं चेंज कर लेती हूँ, माजी और मोहित का आने का टाइम हो गया। ठीक है, वही खड़े रहोगे या यहां भी आओगे? अब खड़े ही रहोगे या मेरी डोरी भी बांधोगे? मुझे लगा मोहित है। आप है तो क्या हुआ? कोई नहीं, आप भी तो मेरे अपने हो ना। वो मैं आपसे कुछ बात करने, एक जगह से रिश्ता आया है मेरे लिए। बहुत खूबसूरत लड़की है, बिल्कुल आपकी तरह। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी की नया इस बार पार आप लगा दें। देवर जी, इतनी भी क्या जल्दी है शादी करने की? पहले अपनी भाभी से ज्ञान तो लो, शादी के बाद क्या क्या होता है। मैं ज्ञान लेने के लिए तैयार हूँ। ये बेशरम कमीना मेरी रागिनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। और पकड़े जाने पर झूठ बोल रहा है तू? हाँ हाँ माँ जी, वो सही कह रहे हैं। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि देवर जी मेरे साथ। अगर तू मेरा बेटा नहीं होता ना तो तुझे अभी पुलिस के हवाले कर देती। चल निकल अभी इसी घर से, और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल। माँ जी, आप प्लीज रहने दीजिए, ये सब मत कीजिए। मैं जानती हूँ देवर जी ने
मेरे साथ बहुत गलत किया है, पर हो सकता है कि इनकी शादी ना होने के वजह से वो बहक गए। हम एक काम करते, जो हुआ ना भूल जाते, बस ये बात यही खत्म करते प्लीज। माँ मुझे इसके बारे में अभी आपसे बात करनी है। चलो माँ। याद है तुम्हें जब मैं इस घर में आई थी तब तुमने बेड पे कांच के टुकड़े बिछाकर मुझे सरप्राइज दिया था। आज मैंने तुम्हें सरप्राइज दिया, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? पहले अपनी भाभी से ज्ञान तो लो, शादी के बाद क्या क्या होता है। घबराने की कोई बात नहीं, दो तीन दिन में घाव ठीक हो जाएगा, बस इन्हें आराम की जरूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आइए मैं आपको छोड़ आता हूँ। मम्मी आपको दर्द हो रहा है ना? नहीं बस थोड़ा सा, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। जाओ तुम दादी के साथ लंच कर लो, जाओ। चलो बेटा। राहुल को खाना देके मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आती हूँ, ठीक है? तब तक तुम आराम करो। ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ भाभी जी? कैसा लगा हमारा नया सरप्राइज? अपने देवर से जरा संभल कर रहेगा, हल्के मिलेंगे तो भारी पड़ेंगे। देखिए बहन जी, लड़की वालों की तरफ से आपका छोटा बेटा है ना,
उसे उन्होंने पसंद किया है। और यहां तक कि लड़की के पिताजी ने यह भी कहा है कि वो शादी के बाद ललित को नौकरी भी लगा देंगे। अगर ऐसी बात है तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। हाँ किशन, माँ सही कह रही है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। इतने भी क्या जल्दी है देवर जी की शादी की? अगर इस बार कोई बखेड़ा खड़ा किया ना तो अच्छा नहीं हुआ। क्या बात है बेटा, आपको इनके शादी से क्या दिक्कत है? किशन जी, आपत्ति है क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इसलिए अपने देवर जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनकी शादी किसी लड़की के साथ कराने का मतलब है लड़की की जिंदगी बर्बाद होना। क्या आप चाहते हैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाए? अगर ऐसी बात है तो ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। पहले अपने आप को सुधारो, फिर शादी की बात करना। बहू, ये क्या किया तूने? इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। माँ जी, मैंने ये सब हमारे घर की भलाई के लिए किया है। अगर ये सीढ़ियों से तेल गिराकर मुझे चोट पहुंचा सकते हैं, तो सोचिए अपनी पत्नी के साथ क्या करेंगे। ये सिर्फ शरीर से बड़ा हुआ है, दिमाग अभी भी बच्चा है। और कल उठ के अगर पुलिस का चक्कर हो गया तो सोचो बाहर कितनी बदनामी होगी हमारे घर की। आप चाहते हैं क्या ऐसा कुछ हो? रागिनी बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, इस हालात में हम इसकी शादी नहीं होने दे सकते। ठीक है बहू, अब ये सब तुम्हारे हाथ में है। जब तुम्हें लगे ललित शादी के लायक हो गया है तब हम इस बारे में बात करें, ठीक है? देवर जी, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, रिश्ता छूटने से पहले टूट गया। जब तक मैं इस घर में हूं ना तब तक तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी, प्रॉमिस। ये गिफ्ट क्यों? आज कुछ खास है क्या, कुछ स्पेशल है? आज का दिन इसलिए स्पेशल है क्योंकि हमारी शादी को 6 महीने पूरे हो गए हैं। थैंक यू। यू आर वेलकम। और आज की रात भी बहुत स्पेशल होने वाली है। किसका फोन था? वो मेरी एक फ्रेंड है ना, उसने फोन किया था। इतने रात को फोन करके परेशान कर रही, बाद में बात कर लूंगी, अभी हमारा टाइम है ना। अच्छा, मैं राहुल को दूध देकर आती हूँ वरना वो सो जाएगा। ठीक है, जल्दी आना।
अखिलेश तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? हमारा फोन नहीं उठाओगी तो हमें आना ही पड़ा। जेल से छूटने के बाद मैंने काफी ढूंढा तुम्हें, पता चला कि तुमने फिर से शादी कर ली और उस दिन इत्तिफाक से तुम मुझे बाहर दिखी। तुम्हारा पीछा करते हुए मैं आया और आज घर में घुस आया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम निकलो यहाँ से और दोबारा ना मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, समझे? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं तो ठीक है, बस मेरी जरूरतों को पूरा करती रहो। काफी महंगी चेन है ये, अभी के लिए इससे काम चल जाएगा। अपना मुंह बंद कर, अब जा यहां से, निकल। वैसे तो हम तुम्हारे पहले पति हैं, और ये वाला किस नंबर पे, चौथा या पांचवा? तुम भले इन लोगों की नजरों में सती सावित्री बनी हो, पर तुम्हारा असली रूप सिर्फ हमको पता है, समझी? अब निकलो यहां से, जाओ। बेटा एक कप चाय पिला दे, सर दर्द से फटा जा रहा है। जी माँ जी, मैं अभी लेकर आई हूँ। अदरक और इलायची की स्पेशल चाय, इससे आपका सर दर्द फटक से गायब हो जाएगा। अब भाभी आपके लिए स्पेशल कॉफी। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? माँ, भाभी, जाने अनजाने में मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया। इस बात का मुझे एहसास हुआ है कि मैं हमेशा से कितना गलत था। शादी करने की सनक ऐसी सवार हुई कि मुझे अच्छाई और बुराई में फर्क नजर ही नहीं आया। इसलिए मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, मैं शादी की बात नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, इतना ही काफी है। भैया एक सेकंड, ये लीजिए भैया, आपका फेवरेट सैंडविच मैंने अपने हाथों से बनाया। वो भैया जो मैंने गलती की है, मुझे उसके लिए मुझे माफ कर दो। माँ और भाभी से मैं माफी मांग चुका हूँ, और आज से मैं भी आपके साथ काम पे चलूंगा। माँ, मैं ऑफिस के काम से दो तीन दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। बहू, तुम्हारे और मोहित के बीच में सब ठीक है ना? हाँ माँ जी, सब ठीक है। वो क्या है ना, मोहित को काम का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए और कुछ नहीं। ये तुमने ठीक नहीं कह रहा रागिनी, मुझे और मेरे परिवार को धोखा दिया है, धोखा। उस आदमी का पता चल गया है, दुर्गेश नाम है उसका। मैं वहां एक घंटे में आ रहा हूं, मुझे उस आदमी से मिलना है।
तुम? इंस्पेक्टर साहब, मैं दो दिनों के लिए बाहर गया था ऑफिस के काम से। जैसे इसके बारे में पता चला मैं दौड़ता यहाँ आ गया। जैसे ही माँ का फोन आया तब पता चला। इंस्पेक्टर साहब, उसी बदमाश ने हमारी बहू की हत्या की है, हमें पता है। कपबोर्ड से कैश और ज्वेलरी सारा कुछ गायब है और घर के बाहर लगी सीसीटीवी से उस आदमी का पता चल गया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही है वो बदमाश। इसे छोड़िएगा मत, इसे छोड़िएगा। इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। हाँ, कुछ दिन पहले अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था, भाभी के सामने। जब वो दरवाजा बंद करने के लिए गई थी, ये उनके सामने खड़ा था। दुर्गेश नाम है इसका, कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा है। पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजू और ये दुर्गेश जहां भी है ढूंढ निकालेंगे उसे। चलो। मैं ऑफिस के जरूरी काम के लिए एक दो दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। ललित, माँ और राहुल का ध्यान रखना, ठीक है? बहुत जल्दी में है मोहित जी, थोड़ी बातचीत हो जाए। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? दुर्गेश को हमने बहुत तोड़ा, तब जाके पता चला कि दुर्गेश और आपकी बीवी पहले से एक दूसरे को जानते थे। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। आपके कॉल डिटेल्स और दुर्गेश के बयान से हमें पता चल चुका है कि आप पहले ही उससे मिल चुके हैं और आप अपनी बीवी के बारे में सारा राज जान चुके थे। कैसा राज? यही कि दुर्गेश रागिनी का पहला पति था और आपके बेटे मोहित से शादी करने से पहले वो दो तीन शादी ऑलरेडी कर चुकी थी। वो ऐसा करती थी अपने ऐशो आराम के लिए। हाँ मैं जानता हूँ, रागिनी ने हमसे बहुत बड़ा राज छुपाया है, धोखा दिया है हमें, लेकिन मैं अपने परिवार को बचाना चाहता था, इसलिए मैं दुर्गेश का पता लगाया और मैं जाके मिला उससे और ये बताने के लिए कि मेरी बीवी और मेरे परिवार से दूर रहे। पर वो कमीना माना नहीं और पैसों के लिए उसने मेरी बीवी का खून कर दिया। यह सच है कि दुर्गेश गहने और कैश लेके वहां से भाग गया था, लेकिन यह भी सच है कि दुर्गेश ने आपकी बीवी का खून नहीं किया था। दुर्गेश ने अपने बयान में यह भी बताया कि जब वो कमरे में गया था तो ड्रेसिंग टेबल पे फ्लावर वास गिरा हुआ था, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो अपने सही जगह पे रखा हुआ था। तो फिर रागिनी का खून किसने किया? आपके छोटे भाई ललित ने। क्या? ये झूठ है, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं क्यों अपनी भाभी को मारूंगा? ललित, जिस फ्लावर वेस से आपने अपनी भाभी का खून किया था उस पे आपकी उंगलियों का निशान है। अब सच सच ये बताओ कि तुमने भाभी का खून क्यों किया? वो भाभी नहीं, दुश्मन थी मेरी। वो मेरे शादी होने नहीं दे रही थी, मेरे रास्ते का कांटा बन रही थी, इसीलिए मैंने उसे हटा दिया। उस दिन जब घर पे कोई नहीं था मैं उसके कमरे में गया। तुम
ऐसे घूर के क्या देख रहे हो देवर जी? और मैं अभी आराम कर रही हूँ, बाद में आना। मेरी शादी तुड़वा कर तुम आराम फरमाने जा रही हो? कहा था ना मैंने मत आना मेरे रास्ते के बीच में, लेकिन तुम मानी नहीं ना। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे दिमाग खराब हो गया, छोड़ो मुझे। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तभी कमरे में दुर्गेश आया, उसे देखकर मैं छुप गया। और दुर्गेश को देखकर मुझे याद आया कि ये तो वही आदमी है जो उस दिन दरवाजे के सामने भाभी के साथ खड़ा था। बस मैं समझ गया कि जरूर इस पर भाभी का कोई लेना देना था। जो मौका मिला और मैंने सारा इल्जाम उस पर लगा दिया। अरे बेशरम, तेरे अंदर इतना गुस्सा भरा था तो मुझे बताना चाहिए था ना, किसी की जान लेने की क्या जरूरत थी? तूने रागिनी को नहीं, हम सबको जीदी जी मार दिया है। हम सब यादव, गिरफ्तार करो इसे।